Namaste Sharks, मैं बीना शाह फ्रॉम अहमदाबाद. नमस्ते शार्क, मैं नितिन खोपे फ्रॉम ठाणे. नमस्ते शार्क्स, मैं प्रसाद फड़के फ्रॉम पुणे. और हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी. अच्छा शार्क्स, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? क्या है? एटम बॉम्ब, मशीन गन या सबमरीन? एक्चुअली शार्क, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार ये इतना सा छोटा 5 mm का मच्छर है. आज तक जितने भी जंगे हुए हैं उनमें करोड़ों मौतें हुई है, लेकिन मच्छरों ने उनसे कई ज्यादा मौतें दी है. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, इन बीमारियों से दुनिया में सालाना 10 लाख लोगों की मौतें इन बीमारियों की वजह से होती है. और इनसे निपटने के लिए आज मार्केट में रिपेलेंट्स अवेलेबल है जो मच्छरों को सिर्फ भगाते हैं. यानी हम प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं, और अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाना है तो हमें इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल को बंद करना पड़ेगा. इनकी आगे की जो पीढ़ियां है उनको नष्ट करना पड़ेगा. और इसी के लिए हमने बनाया है इकोबायोट्रैप्स. इकोबायोट्रैप्स एक सस्टेनेबल तरीका है मच्छरों की ब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए. ये ट्रैप में आपको सिर्फ पानी ऐड करना है और आपके घर के बाहर या ऑफिस के बाहर या बालकनी में रख देना है. इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट पानी में मिलके मच्छरों के रिप्रोडक्शन साइकिल को ब्रेक कर देता है. इससे ना रहेंगे मच्छर और ना रहेगी उनसे होने वाली घातक बीमारी. शार्क्स, हमारा प्रोडक्ट साइंस बेस्ड है और साइंटिस्ट ने अप्रूव किया हुआ है. जनरली मॉस्किटो ब्रीड होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड स्लम्स में, और इसीलिए हमने चूज किया है वर्ल्ड की डिफिकल्ट टेरेन जो कि धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी. और हमें गर्व है कि हमारे प्रोडक्ट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं. उसके साथ साथ में होटल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह इसके ऊपर इंस्टॉलेशन किए हैं. ये सेट के ऊपर भी इकोबायोट्रैप्स लगे हुए हैं. एंड दिस इज द ओनली सेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेट विच इज 100% डेंगू मॉस्किटो फ्री जोन. यहाँ पे आपको डेंगू होगा नहीं. तो इसके लिए शार्क्स, जुड़ जाइए हमारे साथ इस जंग में, क्योंकि If they breed, we all bleed. इतने दिलचस्प आदमी पुणे में हैं और हम मिले नहीं हैं. नहीं मैम, काफी हाई एनर्जी पिच थी, बहुत मजा आया. थैंक यू. जोश में आ गए हम मच्छरों के साथ जंग लड़ने के लिए. hey, एक मच्छर इंसान को. और इसका लाइव डेमो भी है, तो दिखा दीजिए वीडियो वो वाला जिससे हम दिखा पाएंगे शार्क टैंक में क्या हुआ है. नहीं पड़ता यहाँ पे, अभी कोई डेंगू वाला मसला आया ही नहीं अभी तक. इस समय तो नहीं तो हमेशा डेंगू मलेरिया से कितने जन अगले साल मरे थे. हाँ. तो बहुत कम देते हैं. लगाने का बहुत फायदा है कि शाम को भी जो मच्छर लगता है तो वो भी नहीं लग रहा है, और रात के अंदर भी नहीं लग रहा है. से मच्छर के या जो डेंगू का जो भी है वो मसला हल हो. हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट जून 2022 में, और फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिला ICICI फाउंडेशन के साथ में, जिन्होंने फंड किया धारावी में. हमने पहले 3 महीने वो लगाया, फिर उससे रिजल्ट साइंटिफिकली बहुत आए, बिकॉज प्रोडक्ट साइंस के ऊपर बिल्ट है. कितने रिजल्ट आए? हमने 3000 ये लगाए, एंड 15 मंथ्स में 80% डिजीज रिडक्शन है. तो हमेशा धारावी टॉप ऑफ द चार्ट्स हुआ करता था इन एवरी मलेरिया डेंगू सीजन. आप ये हफ्ते की रिपोर्ट देखिए, धारावी डजंट फिगर इवन इन द टॉप 10 लिस्ट. लोग चुरा के नहीं ले जाते हैं. ये पहले 2-3 महीने समस्या अनुपम जी धारावी में थी. हाँ जी. लेकिन वही टाइम पे हमने आइस एजुकेशन कर दिया, और जब वो लोगों को खुद को पता चला, अरे बाहर बैठ रहे मच्छर नहीं काट रहे. अभी गली में डेंगू की मौत हुई थी पिछले 2-3 सालों में, अभी मौत नहीं हुए. तो भाई ये तो अपनी जान बचाने वाली चीज है, इसको संभाल करके रोको. अभी आइस कम्युनिकेशन इतना करना नहीं पड़ता है. इसमें जब आप लगाते हैं और पानी डालते हैं तो उसमें आके मच्छर अंडे देते हैं, तो अंडे ब्रीड नहीं कर पाते, वो मच्छर मरता है. क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और इसमें क्या चीज़ आपने केमिकल डाला है जिसकी वजह से हो रहा है? बेसिकली ये गमला है, तो इसमें सिर्फ हमें पानी डालना है. और इसके अंदर कुछ पॉइजन सी पैकेट दिख रही है। दो चीजें है पाउच में, एक है एट्रैक्टेंट जो कि एनिमल खाद है बेसिकली, और उसी पैकेट में दूसरा एक है गवर्नमेंट अप्रूव्ड IGR है जो कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको। पानी में मिक्स होने के बाद ये जो अंडे देती है मादा मच्छर, वो अंडे को हैच नहीं होने देता है। और ये क्या पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको लगाना पड़ता है? एक बायोट्रैप 400 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है। बट ये फ्लाइज के लिए नहीं काम करता है? नहीं सर, सर बिकॉज मॉस्किटोज ओनली ब्रीड इन वाटर, ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट्स, मेल डू नॉट बाइट। उनकी जिंदगी सिर्फ 15 से 30 दिन है एंड दे ले एनीवेयर बिटवीन 500 से 1000 अंडे। मान लो एक वाटर बॉडी पास में है और ये आपका पॉट पड़ा है, क्या रीजन है कि मच्छर यहीं आके अंडे देगा, वहां जाके नहीं देगा? अमित जी, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। वो है वो अट्रैक्टेंट, और वो अट्रैक्टेंट हमने माँ की तरह सोचा है। वो बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखने वाली है, तो माँ तीन चीजों के बारे में सोचेगी, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान वो कंटेनर है, और रोटी है उसके बच्चों के लिए खाद्य जो दूसरे वाटर बॉडी में नहीं है, जो उसको अट्रैक्ट करता है। बाकी मुझे नहीं पता, आपको मच्छरों ने खूब काटा है कोई दिन। आपको इतना मजा आता है ना उनकी तोहीन करने, उनका मतलब कंप्लीटली उनको वाइप आउट करना आपको दुनिया से। यही तो जंग है, ये आपकी जंग है बॉस। अनुपम जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कैपिटलिज्म था। हम अमेरिका में, कैलिफोर्निया में एक बार में थे। इन दैट बार सडनली देयर वर लॉट ऑफ मॉस्किटोज, और आपको तो मालूम है कि अमेरिका में मॉस्किटोज तो सब पैरानॉइड हो जाते हैं। दैट टाइम इट स्ट्रक अस कि यू नो इस पे क्यों काम नहीं हो रहा है। फिर आई वेंट इनटू द डेप्थ ऑफ द साइंस, और कोविड ने हमको, साइंस ने क्या सिखाया, इफ यू हैव टू कम आउट ऑफ समथिंग जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डबल टिप इतना ज्यादा है, तो यू हैव टू ब्रेक द चेन, और ब्रेक द चेन के लिए हमारे पास में डिवाइस ही नहीं है। हम भगा रहे हैं, नहीं तो ऐसे मार रहे हैं या रैकेट से मार रहे हैं। तो सोर्स रिडक्शन के लिए क्या करना जरूरी है? ये जो केमिकल्स है अंदर, हाँ जी, ये आप नहीं बनाते हैं और किससे लेकर डालते हैं। करेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना आविष्कार ये है कि हमने वो दो चीजें ली, एक ये गमला डिजाइन किया, उसमें चिपकाया और एक सिस्टम बनाया, ये अपना आविष्कार नहीं। अनुपम जी, ये तो है, लेकिन पैटेंट जो है हमारा 50 कंट्रीज में ग्रांटेड, वो इज द एबिलिटी ऑफ सेल्यूलोज एज अ स्ट्रक्चर। ये जो मटेरियल है, हाँ। ये अंडे का ट्रे का सेम मटेरियल है। हाँ जी। वहाँ पे आप अंडे का ट्रे में पानी डाल दीजिए, माइक्रो सेकेंड में गिल जाएगा। राइट। इसमें अभी हमने टाइम किया है 4 से 6 हफ्ते के लिए, लेकिन इसको हम 3-6 महीने भी बना सकते हैं। आपके गमले में यहाँ लिखा है 500 रुपीज एंड कैन ओनली यूज फॉर 4 वीक्स, तो यू हैव टू कीप रिप्लेसिंग। उससे अच्छा मैं सैशे बाय कर लूं, और मेरे घर में बाल्टी है, मैं उसमें डाल दूं। नमिता जी, ये जो सैशेज थे, ये बहुत सारी कंपनियां 20 साल से बेच रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो उसको आपको नीचे ये सारे इंग्रेडिएंट चिपकाना पड़ेगा। उसमें क्या बड़ी बात है, मैं एक सेलो टेप से चिपका दूंगी सैशे। प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लोग ये खरीद के रख लेंगे। आप सैशे खरीदो, फिर उसको चिपकाओ, फिर लगाओ। ये अगर ये प्लास्टिक का हो तो भी उतना ही इफेक्टिव होता है या नहीं होता? प्लास्टिक का चक्कर ये है कि प्लास्टिक के गमले हमने लगा दिए, तो वो अंदर वाला किलिंग इंग्रेडिएंट तो 1-1 महीने का ही है, तो वो जाके वापस बदलना पड़ेगा। वो बदलेगा नहीं तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। इसमें भी अगर आप छोड़ दोगे 2 महीना, ये भी ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा। बट वो पिघल जाएगा ना। नहीं, बाद में पानी टपकना लगेगा, इसमें पानी रहेगा ही नहीं। अभी सस्ते की बात करते हैं ना, इंडस्ट्री में फॉगिंग करते हैं, फॉगिंग इज 2 टाइम्स एक्सपेंसिव देन दिस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेंगू लाइक जैसे फैला हुआ था अभी, तो ये क्यों नहीं, अभी तक इतना वायरलिटी क्यों नहीं आई इस प्रोडक्ट में? B2B हमारा फोकस है अमन जी, एज ऑफ नाउ। B2C becomes an eventuality। तो कितना बिजनेस है, धंधा कितना बड़ा है? हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 84 लाख। उसमें कमाया कितना था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25% था। नेट एंड में कितना घर पे बचा? 4%। उसमें आपने अपने आप को सैलरीज दी है? नहीं, 4 साल से हमने कोई सैलरी नहीं। तो घर कैसे चल रहा था, सेविंग से? नहीं, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रेम्यूनरेशन लेती हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आप दोनों? मेरा सेविंग से चल रहा है, पिछले 6-7 साल से लड़ रहा हूँ। और आपकी भी सेविंग्स? मेरी भी सेविंग्स थी, लेकिन इस साल आई एम ड्रॉइंग सैलरी। ओके, सो हैव यू रेज्ड कैपिटल? यस। तो कितना रेज किया? 1 करोड़ 25 लाख। एट व्हाट वैल्यूएशन? 15 करोड़ वैल्यूएशन। और ये कब किया आपने? पिछले जून 2022। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये काफी कमाल का है, पर ये 500 रुपए का सोल्यूशन बनाया अपन ने। हाँ जी। 500 रुपए का सोल्यूशन इज नॉट अफोर्डेबल बाय बहुत जो गरीब लोग होते हैं। अगर खुद खरीद के लगाना होता तो पॉसिबल नहीं होता। अगर हम 10 लाख पीसेस महीने के रन रेट पे बेचने लगे तो हम ये कंज्यूमर को 150 रुपए में लेके आ सकते हैं। अगले 3 साल में आप B2G, B2CSR and B2C कितना करोगे? This year का we are forecasting 6 crore in billings. This year मतलब FY24 March, जिसमें से I have already order booking for 3 crore as we speak. पिछले लास्ट मंथ कितना था आपका? 8 lakhs. 6 crore तो मुश्किल है। आपका शायद ऑर्डर बुक हो जाए 6 crore का, लेकिन आपका रेवेन्यू नहीं होगा 6 crore। एंड B2C में क्या अलग होगा? B2C वाले प्रोडक्ट में साइज, शेप लेस देन 50 रुपीज। 50 रुपीज तो कस्टमर देगा, लेकिन वो कवरेज 400 स्क्वायर फीट नहीं करेगा, वो 101 रूम करेगा। ये एज अ CSR फंड अपनी कंपनी से मैं दे सकता हूँ, बट एज एन इन्वेस्टर मैं क्यों आऊंगा इसमें? हमारी ये सोच है आगे जाके इसको इतना बड़ा करके लिस्ट करोगे, ग्लोबल जाना है। हमारे पास में पैटर्न्स भी है, सारे लाइसेंसिंग डील्स की भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो एनीवे, मुझे लगता है ये CSR के लिए मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। थैंक यू अमन। बट एज एन इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता। आपके लिए भी ये बोलता हूँ, सैलरीज लो, इसको बिजनेस उसकी तरह मत सोचो कि ये मैं वैल्यूएशन के चक्कर, इन्वेस्टर के चक्कर में आऊंगा, मत करो। आई एम आउट। अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया है ना। आई टेल यू व्हाई आई एम आउट। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू। आई मीन 5 साल से आप लगे हैं, क्या पैशन है, क्या आपने ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखाया है। बट जो एक बिजनेस मॉडल चाहिए वो मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक अगर आप सैशे का बिजनेस करेंगे, मुझे उसमें ज़्यादा वैल्यू दिखता है। एंड ये पूरा गमला जो है ना, जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है, आई डोंट अग्री विद दैट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू नमिता। देखिए, जो काम आप धारावी में कर रहे हो ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करने के लिए आपको इसको काफ़ी बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये कंटेनर में कोई ऐसा आविष्कार नहीं है कि और कोई ये पैटेंट को सर्कमवेंट करके बना नहीं पाए, मे बी विद सम अदर मटेरियल। क्या ये सोल्यूशन 1 साल में काम करेगा? आई डोंट थिंक सो। तो दीज आर द रीजंस आई एम आउट। गुड लक। देखो, मैं भी आउट हूँ। बिजनेस के अंदर मोड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये बड़ा बनने लगेगा तो बहुत सारे लोग इस शेप के डब्बे बना के सस्ते में बेचने लग जाएंगे, और इसलिए डिफेंसिबल मोड नहीं मिल रही मेरे को। आज मैं बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, ये जो इन लोगों ने बोला है एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। एंड ऊपर से आप तीनों में किसी की बिजनेस थिंकिंग नहीं दिख रही है। जैसे आप एक 400 स्क्वायर फीट वाली जगह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं 500 रुपये में, 100 स्क्वायर फीट वाला सिर्फ 50 रुपये में। तो आई डोंट थिंक आपने ये भी थिंक थ्रू अभी तक किया है अपना नंबर्स। बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एंड आप काफ़ी पैशनेट हैं आप। तो मैं आपको जस्ट ऑन दैट एक ऑफर देती हूँ, 50 lakh rupees for 10%. It's a great offer. हमारी वैल्यूएशन कम हो जाएगी सर। आपने देखे हैं ना शार्क टैंक के पिक्चर्स, तो कोई भी कंपनी में मिलता है, आपने देखा है मिलते हुए 25x ऑफ रेवेन्यू नहीं मिलता। बिकॉज हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स थे, फिर फॉरेन कंपनीज had also shown lot of interest. See now अब आप अपनी grave dig कर रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वैल्यूएशन इंटरेस्ट, कंफर्म्ड इंटरेस्ट पे मिलती है, तो वो तो आज तक किसी को नहीं मिली है। चलिए, आप काउंटर कीजिए या तो ना कीजिए, आपकी मर्जी। विनेता जी, we really wanted to, but you know, I have to respect. नहीं करना। At least last वाला है, but 15 crore is your logo. 15 crore इस बिजनेस के लिए currently बहुत ही मुश्किल है। So best of luck to you, and yeah, I will definitely put 4 of these in my office. Thank you so much, sir. Thanks. Okay. Thank you. All the best. Good luck. बहुत अच्छा लगा आपसे।